Assalamualaikum, मैं हूँ सईद सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द बॉस एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ अर्न सीजन 4 पावर्ड बाय मिचल्स. हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं ओरिएंट एंड मिल्सीज, साथ में हमारे स्पाइस पार्टनर हैं मलका फूड्स और हमारे को स्पॉन्सर हैं गोल्डन कुकिंग ऑयल. यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे सेट पार्टनर जो कि हैं फोटाइल पेंट्री पार्टनर अल्फते एनएक्स सतीन सॉफ्ट प्योरो एसके कुकवेयर इंडिगो होटल्स एंड इस खूबसूरत से जोड़े के लिए केसरिया का. जी जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिशन राउंड चल रहा था और आज ऑडिशन राउंड की आखिरी एपिसोड है. ये नहीं कि शेफ अर्न सीजन 4 खत्म होने जा रहा है बल्कि यहाँ से ही तो असल सफर शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं. अब तक हम लोग 12 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं और आज के इस एपिसोड में भी होंगे 4 पार्टिसिपेंट्स जो कम्पीट करेंगे नेक्स्ट राउंड में. लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपने ऑनरेबल जज को बुला लें, क्योंकि वो ही तो देंगे टास्क हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स को. तो मैं बुलाना चाहूंगी शेफ मानी को. अस्सलामुअलैकुम मानी, क्या हाल है, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सही. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. और आज ऑडिशन राउंड के आज फाइनल एक एपिसोड है जिसमें आज हमें पता चल जाएगा कि कौन से वो 16 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. तो क्या लग रहा है, पिछली बार जैसा कि मैंने देखा था कि बहुत ईजी टास्क में भी बहुत सारे ब्लंडर्स हुए थे, तो आज कोई ऐसी खास टिप देना चाहें हमारे पार्टिसिपेंट्स को? परफॉर्मेंस के दौरान नर्वस होना जो है ना, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक ऐसा फैक्टर है कि जो आपको ना चाहते हुए भी आप हार सकते हैं. फोकस होके जो टास्क दिया जाता है उस पर काम करें. बिल्कुल ऐसा ही है. मानी मुझे ये बताएं कि आने वाले चैलेंजेस मजीद कितने टफ होने लगे हैं? टफ तो होता जाएगा क्योंकि अगले राउंड्स में ये चैलेंजेस नहीं होंगे, ये टास्क नहीं दिए जाएंगे और हम लोगों के लिए जज करने का क्राइटेरिया भी बढ़ता जाएगा. बिकॉज हम लोग भी जितना लीनियंसी अभी कर सकते हैं या मैं जितनी लीनियंसी अभी कर सकता हूँ वो रख रहा हूँ, बट उसके बाद जो है फिर शायद मैं इतना ना. अच्छा मानी, मुझे हमेशा ये होता है कि बीइंग अ जज आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी. तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना, कि कभी कभी बहुत ही क्लोज कॉल होती है, उसमें आप किन क्राइटेरियाज पे चूज करते हैं? मोर ऑर लेस सिमिलर होता है, बट वी हैव टू पिक द बेस्ट वन. तो ये फिर जजमेंट पे कुछ चीजों की बारीकी जो है फिर ज्यादा दूरबीन लगा के देखना पड़ता है. बिल्कुल ऐसा ही. चले मानी, अभी आप अपनी कुर्सी संभाल लीजिए, मैं चलती हूँ जरा बैक स्टेज और देखती हूँ वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का मोराल कितना हाई है. बिल्कुल, थैंक यू. जैसा कि आप जानते हैं कि ये है 4th एपिसोड ऑफ ऑडिशन राउंड और यहाँ पे ऑडिशन राउंड भी आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. तो अभी मैं बुलाऊंगी हमारे इस राउंड के, आज के बल्कि एपिसोड के, मैं कहूंगी पहले दो पार्टिसिपेंट्स फाइजा और अनस को. सबसे पहले बताएं कौन से इंस्टीट्यूट से आई हैं? मैं एसबी किचन से आई हूँ. क्या मेन आपकी क्या ऐसी चीजें हैं जो आप वहाँ पे सीख रही हैं जिनको आप रिफाइन करना चाह रही हैं? मैं बेकिंग को करना चाह रही हूँ, केक का, यानी केक पेस्ट्री वगैरह में ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रही हूँ. चले मेरे लिए हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें. अब जरा आते हैं अनस की जानिब. अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र. कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से? मैं लाहौर से और इथम से बिलोंग करते. कितना अर्सा हो गया कुकिंग करते हुए, घर में या फिर अभी इथम में करते हुए? कुकिंग करते हुए तो मैक्सिमम 2 साल हो गए. टास्क को पहले समझें कि क्या आपको टास्क दिया जा रहा है, प्रेशराइज नहीं होना आपने और टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करना है, ठीक है? और प्लीज अपना देखिएगा कि आप एसओपीस को भी साथ साथ फॉलो कर रहे हो, हाइजीन को स्पेशली, ठीक है? थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फाइजा कजलबाश जी. जी सर. एसपी किचन से आप जी, और हाफिज अनस हैं इथम से जी. सर, अच्छा जी, आपको आज हम एक टास्क देंगे, बड़ा आसान सा टास्क है ऑडिशन राउंड के लिए, जिसका 15 मिनट का टाइम है और आपको 15 मिनट में चिकन स्क्यूअर्स बनाना है. आपने वो लकड़ी की स्क्यूअर्स के अंदर पिरो के थ्रेड करके चिकन बनाना है, ग्रिल करना है या पैन सियर करना है, आपकी अपनी चॉइस है. फ्लेवर भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस फ्लेवर के स्क्यूअर्स हमें सर्व करने हैं. आप किसी भी रेसिपी से बना सकते हैं, जो आपकी बेस्ट वन है उसको आप बनाइए. 15 मिनट का टाइम है, टेस्ट प्रेजेंटेशन और हाइजीन पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा. स्पाइसेस
सारे इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर्स पे हैं। बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं, मिचल की प्रोडक्ट्स हैं, मलका के स्पाइसेस हैं और ऑयल है, इससे आप बनाएं और हमें यहाँ प्रेजेंट करें इन 15 मिनट्स। और आप लोगों का 15 मिनट का चिकन स्क्यूअर्स का टाइम स्टार्ट होता है अब। अभी मैं शेफ हंट में आया हूँ तो काफ़ी नर्वसनेस है थोड़ी सी, यानी कि कैमरा फेस करना है तो पता नहीं अब क्या होगा, तो बस इस तरीके से ही है, मेहनत पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आई होप कि ये अच्छा होगा। टाइम इज रनिंग फास्ट, आपके 5 मिनट गुजर चुके हैं, 10 मिनट रह गए हैं, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आपका ग्रिलिंग का टास्क है, टेक्स टाइम। जज ने मुझे चिकन स्क्यूअर्स के बारे में बताया तो कहेंगे मैंने बनाना था, मैंने कभी इससे पहले ट्राई नहीं किया ना कभी कहीं पे बनाया, तो बहुत ही थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था कि यार ये इसको बनाना कैसे है, तो मैंने अपने एक ट्रेडिशनल स्टाइल में इसको बनाने की कोशिश की। आपकी चिकन स्क्यूअर्स, आप तो इसको वैसे ग्रिल कर रही हैं? हाँ जी। तो स्क्यूअर्स में नहीं किया आपने? वो सर वो है पड़ी, मैंने करती हूँ अभी, अभी मैं फ्राई करने के बाद उसमें करेंगे। जी जी। चलें जी, आई एम सरप्राइज्ड। जी। अच्छा, आपने भी वैसे इसको पका रहे हैं? जी, इसके बाद इससे प्रेजेंटेशंस के लिए इसको जो लॉस फाइनल। नहीं, मगर इस पे तो कुक करना था आपने। सर उन्होंने कहा था मेथड आप कोई भी यूज करें, रेसिपी कोई भी यूज करें। अच्छा, मैंने स्क्यूअर्स बनाए थे, ये मुझे दरअसल एक्सपीरियंस नहीं था इसका कि इसको जो है 6 मिनट डायरेक्ट डाल के बनाते हैं, तो वो मेरे से मिस्टेक हो गई और शेफ मानी ने मुझे बिल्कुल अच्छा गाइड किया कि इसको चिकन को प्रेस नहीं करना चाहिए था। जल्दी कीजिए, 10 मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट रह गए हैं, इसको यूटिलाइज करें और अपनी प्लेट्स को फिनिश करें। Seconds are left. I'm starting the countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop cooking. Faiza Qazilbash, आप आ जाइए। जी फाइजा, आप बताएं कैसे बनाई आपने ये स्क्यूअर? ये सर मैंने लेमन जूस लिया है और काली मिर्च ली है और मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है बस। जी, जो कोर टेक्निक थी जो स्कीवर्स हमें चाहिए थी उस तरीके से आपने कुक नहीं किया इसको, उससे क्या हुआ है कि पैन में आपने, और मैंने देखा कि आप उसको दबा भी बहुत रही थी, जैसे वो कबाबों को नहीं दबाते घर में। जी जी, उससे सारा इसका जूस निकल चुका है, तो ये चिकन बहुत ड्राई हो गया। फ्लेवर वाइज अच्छा है, आपकी सीजनिंग अच्छी है, लेमन जूस आपने अच्छा इसमें टच ऐड किया है, बट ओवरऑल जो इस बोटी का टेक्सचर है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से वो सही नहीं हो सका मेरे से, और लेकिन आई होप कि मैं आइंदा ये मिस्टेक जो है जो मैंने की है वो मैं नहीं करूंगी। हाफिज अनस आ गई। यार आपने तो ये बिल्कुल इतनी सी, ये तो श्रिंक हो गई है। सर फॉर द सेक ऑफ लैक ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई। लैक ऑफ टाइम क्या मतलब, सफिशिएंट टाइम था ये? जस्ट 15 मिनट्स जब आप आए थे मेरे पास तो आपने कहा आप इसको कुक कैसे कर रहे हैं। यार ये तो बिल्कुल लकड़ी बन गई भाई, इसको तो मैं क्या टेस्ट करूंगा अब बेटा, मैं इसको क्या टेस्ट करूं? एक तो टेक्निक आपने फॉलो नहीं की, दूसरा आपने जो यहाँ पे सर्व किया ये बिल्कुल लकड़ी की तरह सख्त है। जी सर, मेरे ख्याल से मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।
मैंने अपनी जब प्रेजेंटेशन की तो ऑब्वियसली के वो काफ़ी स्ट्रिक उनको लग रही थी कि वो स्टिक हो गई, और उसके बाद उन्होंने कमेंट दिए कि मैं आपका जो है खाना टेस्ट नहीं कर सकता, तो एक थोड़े से बैड फीलिंग आई, लेकिन ठीक है इंशाल्लाह गो थ्रू करूँगा। इस चीज़ से सीखने के लिए मिला के ठीक है, हम अपना बेस्ट देना चाहिए हर चीज़ में, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है बेहतर के बेहतरी के लिए करता है। दो पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी फेस कर चुके हैं हमारे जज को और अपना टास्क परफॉर्म भी कर चुके हैं, प्रेशर काफी ज्यादा होता जा रहा है। अभी मैं अगले दो पार्टिसिपेंट्स को बुलाऊंगी जो कि हैं मरियम और शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। डिपेंड करता है आपके खाने पकाने पे और आपके स्किल्स पे। आज के इस प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अब जरा बढ़ते हैं शाहिद की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। और मुझे बताएं कौन से इंस्टीट्यूट से हैं? स्काफा। अच्छा, कौन सी स्किल सेट पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी सीखने के लिए? भी हम लोगों ने एक 3 months कोर्स किया है, ये प्रोफेशनल किचन कोर्स था। लेकिन आपको ये तो पता ना कि यहाँ पे आपको कोई भी टास्क मिल सकता है, किसी भी तरह का क्यूजीन मिल सकता है, एंड यू हैव टू डू इट, आपने परफॉर्म करना है। तो कोई तैयारी की है आपने? जी की है। आप दोनों के लिए यही एक टिप रहेगी कि आपने टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करना है, ठीक है? अभी आपने जाना है जज के पास और वो आपको बताएंगे आज का टास्क। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शाहिद महमूद है और मरियम तुफैल। हाँ जी। आपको season 4 में शेफ फंड के पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेफ्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए। यस इट इज। चले अल्लाह करे आपके लिए तमाम चीजें आगे भी इतनी स्मूथ रहे हैं और आप जिस होप के साथ आए हैं वो सारी आपकी फुलफिल हो। आपको हम इवेलुएट करेंगे जी इन ऑडिशन राउंड एक स्मॉल टास्क देके, जो कि आपने एक सैंडविच बनाना है 15 मिनट में, एग सैलेड सैंडविच। चिकन सैंडविचेस तो आप सब लोग अपने घरों में बनाते हैं रमजान में स्नैक में टी टाइम पे, तो ये आपने एग सैलेड बनाना है, यानी एग की फिलिंग के साथ बनाना है। अब वो आप कैसे बनाते हैं, इट्स ऑल योर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, अंडे को किस तरह यूज करते हैं, बट एग सैलेड सैंडविच है, उसको आपने 15 मिनट में बनाना है। 3 क्राइटेरियाज पे हम आपको इवेलुएट करेंगे, जिसमें हाइजीन है, टेस्ट है और प्रेजेंटेशन है, और टाइम 15 मिनट का है और वो टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं यहाँ पर शेफ फ्रंट सीजन 4 में आई हूँ फर्स्ट टाइम, थोड़ा नर्वसनेस भी है बहुत मुझ में, लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। My first time entering a competition and as well as being on television, and I'm a little nervous but I'm hoping to do well. मुझे टास्क मिला था एग सैलेड सैंडविच का, ये मैंने पहले कभी बनाया नहीं था, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन थी कि मैं इसको इस टाइम में मुकम्मल कर सकूंगी या नहीं। मेरे ख्याल से मैं जाके देखता हूँ और नजर मारते हैं इनके। जी तो आपकी फिल्म बना रही हैं आप? जी मैं फिल्म बना रही हूँ। मगर आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्लो कर रही हैं, बिकॉज टाइम तो बहुत ज्यादा शॉर्ट रह गया है। अपनी रेसिपी से, अब वहाँ पे जब आएगा तो पता चलेगा कि किसकी रेसिपी जो है वो विनर है। Last few seconds are left. I'm starting the countdown. It's 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop cooking, ji. Okay, ji. Shahid Mehmood, aa jaiye. Acha, ji. Shahid, aap thoda explain karein apne sandwich ko. Ji, maine mayo banaya. Mayo ke saath garlic mix kiya. Mayo garlic, jo hai wo. For the moistness, and then I made egg mimosa and tomatoes. अच्छा शायद आपकी अप्रोच तो सही है,
मगर बच्चे आपने देखिए ये आपका बिल्कुल ड्राई है स्लाइस। अच्छा और ये अंडा सारा भुर रहा है और ये गिर रहा है, ग्रिप नहीं हो रही है। तो व्हाई डिड यू अप्लाई द मेयो? आपके पास यहाँ पे मेयो थी, हम रखी मेयो नीचे वाले लेयर पे है। नहीं बट इसके टॉप लेयर पे भी तो मेयो होनी चाहिए ना। देखिए ये तो इसके ऊपर से स्लाइड हो रहा है, इट्स ऑल ड्राई, ये सब गिर रहा है नीचे। अगर इसके ऊपर मेयो होता तो वो इसको ग्रिप कर लेता। एंड ऑल्सो टोमेटो का ये टॉप पार्ट कभी भी नहीं डालते। सही, आई एम जस्ट बाइटिंग इट फॉर द फ्लेवर। रियली लाइक कि आपने जो प्रेजेंटेशन की है दैट इज़ वेरी गुड। आई रियली लाइक कि आपने एक सिंगल ट्राइंगल सर्व किया बिकॉज सिंगल सर्विंग है। एंड बस थोड़ा सा माइनर ग्रिप है कि अगर आप मेयो अप्लाई करते ऑन द टॉप स्लाइस ऑल्सो तो ये इसकी एक फिनिश जो है वो और ज़्यादा अच्छी आती है, और ये जो क्रम्बल होकर नीचे गिर रही है फिलिंग बाहर, ये मिसहैप ना होता। बट ओवरऑल आपके सैंडविच का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है। हाँ, और टमाटर थोड़े ज़्यादा हैं, इसको कट मतलब थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम कभी भी आप बनाएं। ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू। मुझे कहा गया था एग सैलेड सैंडविच बनाने का जो मैंने पहली दफ़ा बनाया था, तो एक दो मिस्टेक्स थी लेकिन ओवरऑल इट वॉज गुड। मरियम तो फैल आ जाइए। जी मरियम, आपने सैंडविच का एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? मैंने वेजिटेबल्स में कैप्सिकम लिया है और कैरेट लिया है, उसको मैंने सौते किया है विद जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट विद अ डैश ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, एंड उसके मैंने फिलिंग में लिया है मेयो एंड चिली सॉस। इट्स अ नाइस सैंडविच, द फ्लेवर इज़ गुड। आपने एक सैलड बनाई है जो हम एक सैलड सैंडविच कह रहे थे, उसी तरीके से आपने थोड़ी वेजिटेबल चॉप की है और उसकी फिलिंग बनाई है। इधर सौते कर लिया बट वैसे भी इसका प्रोफाइल जो है बड़ा अच्छा आ रहा है टेस्ट का, और फिर आपने यहाँ पे केचप भी सर्व किया बिग पार्लर की, तो इट्स नाइस। ओवरऑल इट्स अ नाइस सैंडविच। जब मैंने उनको टेस्ट करवाया तो ही वॉज रियली हैप्पी, उनको काफ़ी अच्छा लगा। देखेंगे आगे अब क्या बनता है। चार पार्टिसिपेंट्स और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, और हमारे अगले जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं डेफिनेटली वो भी इस प्रेशर को फील कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि किसी तरह हम जल्दी से पहुंचे और परफॉर्म करें अपना टास्क। तो अभी मैं उनको जल्दी से बुला लेती हूँ ताकि वो जाएं और अपना टास्क परफॉर्म कर सके। तो अभी मैं बुलाऊंगी सोफिया और वकास को। अस्सलामुअलैकुम सोफिया, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग करती हैं? स्काफा। स्काफा को बिलोंग करती हैं। यू आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और साथ साथ कुछ नर्वस भी हो रही हैं या नहीं, कुछ ऐसा फील कर रही हैं? नहीं, नर्वस बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक कुकिंग इज पैशन एंड इट्स एन आर्ट। तो अगर जब आर्ट होता है, पैशन होता है, तो फिर वो खुद ब खुद आता है अंदर। दैट्स ट्रू, दैट एग्जैक्टली ट्रू, बट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर। किस इंस्टीट्यूट को वैसे आप बिलोंग करते हैं? आई एम फ्रॉम एसबी किचन्स। अच्छा वकास, आपके लिए कैसे एक हाउ यू ऑप्टेड फॉर दिस? मेरे लिए एक्चुअली मेरा ये एक शौक है। चलें, वी रियली होप कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करें कि आपकी फैमिली जब आपको देखे तो वो प्राउड फील करे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने अभी जाना है और जज को फेस करना है, एंड आई रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड नेक्स्ट राउंड के लिए आप दोनों ने क्वालिफाई करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। वकास अमीन है एसबी किचन से और मिस सोफिया कुरैशी है स्काफा से। जी बिल्कुल। आपका ऑडिशन राउंड में जी हम वेलकम करते हैं और आपको एक टास्क भी देंगे जिससे आपके स्किल को एवेल्युएट करेंगे, और आपने आज हमें फिश टम्पूरा बना के दिखाना है, वो भी 15 मिनट के अंदर। और क्राइटेरिया अगेन वही है, आपने हाइजीन और टेस्ट और प्रेजेंटेशन तीनों डिपार्टमेंट में स्कोर करना है, तो फिर ही आप अपनी पोजीशन बना पाएंगे इस मुकाबले में। ठीक है जी। और इंग्रेडिएंट्स फिश टम्पूरा के आपके काउंटर्स पे हैं, बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं, मिचल्स की प्रोडक्ट्स हैं और गोल्डन का ऑयल है। आप इसको यूज़ कीजिए, फिश टम्पूरा बनाइए 15 मिनट के अंदर। आपका 15 मिनट का टाइम फिश टम्पूरा का स्टार्ट होता है अब। मैं काफ़ी एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए, एंड थैंक गॉड कि मुझे यहाँ आने का चांस मिला, और हार जीत तो मुकद्दर है, देखें इंशाल्लाह यहाँ पे आ गए हैं। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के शेफ हैं जो मेक श्योर करते हैं कि वो आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट करें, बट राइटफुल गलतियाँ। पार्टिसिपेंट्स, आपको आज की डिश तो हमने बता दी है कि आपने फिश टेम्पूरा बनाना है, तो ये फिश टेम्पूरा 15 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा। दस मिनट
रह गए जी 10 मिनट, हरी आप जल्दी कंप्लीट करें 10 मिनट। टास्क दिया था शेफ मानी ने कि मुझे फिश टेम्पूरा बनाना है और इट वाज काइंड ऑफ स्केरी बिकॉज मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ है। ओके जी 10 मिनट गुजर गए हैं, 5 मिनट से बाकी हैं आपके पास, जल्दी कर लें, यहाँ पे जल्दी से फिश टेम्पूरा ले आइए। काश समीन आप आ जाइए। जी बताएं डिश कैसे बनाई आप? सर इसमें मैंने सीजनिंग की है फ्लावर पे कॉर्नफ्लावर साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। की क्रस्ट है वो सॉगी होगी, तंपुरा को बड़ा लाइट और क्रिस्पी होना चाहिए। अब ये नहीं पता इसकी एक रीज़न जो मुझे नज़र आती है वो ये कि आपने फिश के जो पीसेज हैं बहुत थिक रखे हैं। अगर ये पीसेज थोड़े छोटे होते या थिन होते या लंबे होते तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता, तो मैं आपको मार्क करूंगा, रिजल्ट आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। शेफ मानी की तरफ से कुछ उसमें कमेंट्स सुनने को मिले और वो काफ़ी अच्छे साबित हुए मेरे लिए कि आइंदा मैं उन स्टेप्स को अवॉइड करूंगा इंशाल्लाह। सोफिया कुरैशी आ जाइए। जी मिस सोफिया एक्सप्लेन योर डिश प्लीज। पहले मैंने मैरिनेट किया है फिश को इन सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर था एंड देन आई एडेड अ बिट ऑफ वाटर। उसके बाद इसको मैंने डीप फ्राई किया और साथ मैंने आपके लिए गार्लिक मेयो बनाई है और चिली गार्लिक सॉस है। आपके साथ भी टेम्पुरा के साथ वही प्रॉब्लम है जो आपसे प्रीवियस जो कैंडिडेट के साथ था, जो आपका आउटर क्रस्ट है इट्स नॉट क्रिस्पी लाइट एंड यू नो वो सॉगी हो चुका हुआ है तो, और थोड़ी कोटिंग थिक है। और एक और चीज़ कि कभी भी आप अगर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो फिर उसके साथ अंडा मत डालिए, उसके साथ यही रिजल्ट होगा। ठीक है, उन्होंने भी अंडा डाला फिर बेकिंग पाउडर डाला, एक रेजिंग एजेंट डालें, या तो आप बेकिंग पाउडर डाल दें या फिर अंडा डाल दें, एग वाइट डाल दें। बिल्कुल। तो वेल एनी हाउ ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी गुड, वेरी ऑन पॉइंट, वेरी एप्ट, द सर्विंग साइज इज़ वेरी गुड। स्टार्टर के हिसाब से आपने एक सफिशेंट साइज दी है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स, ये भी बहुत अच्छा है, बट गार्लिक में उससे ज़्यादा टाटो सॉस होनी चाहिए फिश के साथ। तो आपके पास मिचल्स का लेमन जूस था, वो आप यूज़ करके टाटो सॉस बना सकती थी, बट सम हाउ टाइम शॉर्ट था और शायद उसमें थोड़ा एलैबोरेट टास्क था, बट एनी हाउ ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट बट नॉट एक्सेलेंट। थोड़ी सी फिश जो है वो सॉगी हो गई थी और उसकी जो क्रस्ट थी वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनी थी, इतनी लाइट नहीं बनी थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं रिजल्ट्स क्या आएंगे। जी अब तक 6 पार्टिसिपेंट्स फेस कर चुके हैं जज को और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि प्रेशर बहुत हाई है, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी हाई और ये प्रेशर जो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स ही कर रहे हैं और आखिर में बच्चे जो 2 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए तो ये वाकई बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे आखिर में वो जा रही है तो दे आर वेरी नर्वस एज वेल कि क्या होने वाला है, क्या टास्क मिलेंगे और वेदर इट वुड बी ईजी और डिफिकल्ट। तो अभी मैं बुलाऊंगी हमारी आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स को ताकि मजीद उन्हें वेट ना करना पड़े। हमारी आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स हैं निमरा और मैमूना। अस्सलाम वालेकुम निमरा, क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निमरा कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग करती हैं? मैं चिपको। चिपको बिलोंग करती हैं। अच्छा मुझे बताएं निमरा कि क्या होप्स हैं, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं एंड व्हाट आर योर होप्स, क्या लग रहा है आपको? आई एम होपिंग फॉर बेस्ट और अपना 100% देंगे। चलिए वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मैमूना की तरह चलते हैं, मैमूना सो यू हैव टू बी वेरी होपफुल और आपने अपना मोराल बहुत हाई रखना है, अपनी होप्स बहुत हाई रखनी है। अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अभी आप जाएंगे जज को फेस करेंगे, वही आपको बताएंगे कि क्या होगा आपका टास्क एंड आई रियली होप कि आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लग रहा है शेफ फंड सीजन 4 का हिस्सा बनके? इट्स सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, रेडी फॉर द टास्क? यस सर। अच्छा आपका आज का टास्क है जी पोटैटो कटलेट्स। पेंट्री में आपके पास यहाँ पे काउंटर्स पे चीजें अवेलेबल हैं तमाम ब्रांड्स की, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं, मिचल्स की हैं, गोल्डन की हैं और मलका के स्पाइसेस हैं, तो जो आप यूज करना चाहें, जो भी सीजनिंग देना चाहें, जो भी फ्लेवर प्रोफाइल देना चाहें आप, यू आर फ्री टू यू नो वर्क ऑन योर ओन रेसिपी, बट 15 मिनट में बनाना है और क्राइटेरिया के मुताबिक बनाना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं ऑडिशन में फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सो फॉर द बेस्ट के अच्छा। Thank you.
काफ़ी सुना है कि यहाँ की जो जज हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी टफ है, टाइम लिमिट है, इंग्रेडिएंट्स की लिमिट है, तो हमें काफ़ी कुछ कवर करना है कम टाइम में, कम इंग्रेडिएंट्स में, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोगों का टाइम जो है बहुत तेजी से गुजर रहा है, निम्रा मेमुना आप प्लीज जो है क्विकली ये सारी चीजें कंप्लीट कीजिए। इस ऑडिशन को विन करती हूँ तो ऑब्वियसली बात है, एक तो मुझे कॉन्फिडेंट आएगा और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। आपका तो अभी काफ़ी कुछ रहता है, शेप करना भी है और कटलर्स को और मिक्स करना है जी सर, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए वरना टाइम तो बहुत शॉर्ट रहेगी आपके पास जी। आपका भी ये मिक्सिंग है और आप ये हर्ब्स काट रही हैं, हो गया। चलें जी, इनका छोटा सा टास्क है पोटैटो कटलेट्स का, मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मिक्सिंग कर रहे हैं और बाकी ब्रेड करना है, तो ब्रेडिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो होपफुली हमें मिल जाएगा टाइम पे। मिला था वो था पोटैटो कटलेट्स का, आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज इवन कि वो एक सिंपल है लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं था, इंग्रेडिएंट्स बहुत लिमिटेड थे, तो उसी के हिसाब से करना, पहले तो मुझे इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम लगे उस हिसाब से, लेकिन फिर भी आई हैव मैनेज। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप कुकिंग प्लीज जी। निम्रा दाऊद आ जाइए। अच्छा निम्रा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आई एम रियली यू नो हैप्पी टू सी योर प्लेट बिकॉज दिस इज़ बाय फार द बेस्ट प्लेट विच आई हैव बीन यू नो प्रेजेंटेड विद, दिस इज़ द बेस्ट प्लेट ऑफ द एंटायर ऑडिशन राउंड। आई एम गोइंग टू टेस्ट द कटलेट एंड यू प्लीज एक्सप्लेन योर रेसिपी। How you have, you know, made sir, these? Sir, firstly I have mashed my potatoes, then I add some spices, basic. मैंने इसको simple रखा, ज़्यादा मैंने इसको approach नहीं दिया, मैंने इसको simple में present करने की कोशिश की है जो हम घरों में use करते हैं, black pepper, red spices and green spices some सारी ऐड करके, फिर मैंने इसको कवर अप करके क्रम्ब से फ्राई किया, शैलो फ्राई किया, ज़्यादा डार्क भी ना हो, तो वो सारा मेंटेन करके मैंने इसको आपको सर्व। आपकी कटलेट भी बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा अगर नमक इसमें और खिलता हुआ थोड़ा बेहतर होता सीजनिंग तो और मज़ेदार होते, एंड प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग, सो वेरी वेरी वेल डन। और आप अब वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। पहले तो मैं बहुत नर्वस थी कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब शेफ़ ने मुझे अपने कमेंट्स ये ही सेड दिस इज़ द बेस्ट डिश सो फार, तो आई वाज लाइक शुक्र किया मैंने सबसे पहले तो, और मैं बहुत ओवरवेलम्ड हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मैमुना आ जाइए। जी मैमुना, आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपने ये कटलेट्स कैसे बनाए। मैंने इसको बेसिक ही रखा है, मतलब मैंने इसमें पहले तो टोमेटो को एज यूजुअल मैश किया था, उसके बाद में इसमें मैंने सिमेंट पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर का भी टेस्ट दिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर को चॉप करके वो डाला है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था, और बस यही चीज़ें डाली थी। अच्छा, सबसे पहले तो आपका एक मैं आपको प्रेजेंटेशन का फ्लो बताऊं। आपने दो पीस सर्व करने थे, एटलीस्ट वो एक जैसे तो होने चाहिए थे, एक आपका कटलेट साइज में छोटा है, एक साइज में बड़ा है, द प्रेजेंटेशन इज अनइवन राइट, और फ्राइंग भी आपकी अनइवन है, आपने बहुत तेज हीट पे फ्राई किया है, और टेस्ट मैं चेक करता हूँ बता। निम्रा, ये बिल्कुल फीका है, आप जितने स्पाइसेस मुझे भी गिनवा रही थी वो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, इसमें कुछ भी फील नहीं हुआ। थैंक यू, अब अपनी प्लेट लेके जा सकते हैं। मुझे जो टास्क दिया गया था वो था पोटैटो कटलेट्स, अनफॉर्चुनेटली जिसको मैं नहीं कर पाई क्योंकि इसमें एक्चुअली दोनों अनइवन भी थे और थोड़ा सा ज़रा कलर का भी इशू था और सीजनिंग भी थोड़ी कम थी।
तमाम पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं परफॉर्म, लेकिन अब वेट है रिजल्ट का जो कि अनाउंस होगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ अर्न सीजन 4 पावर्ड बाय मिचेल्स। हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं ओरिएंट एंड मिल्क फील्ड्स, स्पाइस पार्टनर है मलका फूड्स एंड को स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन कुकिंग ऑयल। पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ अर्न सीजन 4 पावर्ड बाय मिचेल्स। हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं ओरिएंट एंड मिल्क फील्ड्स, स्पाइस पार्टनर है मलका फूड एंड को स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन ऑयल। और यहाँ अभी वो मरहला है जहाँ पे हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन से लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए यानी कि प्रेशर राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जी, हमारा अगला राउंड होगा प्रेशर टेस्ट और उसमें देखा जाएगा कि कौन से पार्टिसिपेंट्स उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं और मजीद आगे जा सकते हैं। अभी शेफ मानी अनाउंस करेंगे आज के इस राउंड में जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन पार्टिसिपेंट्स के नाम। जी शेफ मानी। ओके जी, जो लकी हैं और थ्रू करके अगले राउंड में प्रेशर टेस्ट राउंड में जा रहे हैं क्वालिफाई करके, उनमें पहला नाम है निमरा का, मरियम, शाहिद एंड सोफिया। आप चारों को बहुत मुबारक हो, आप प्रेशर टेस्ट राउंड में क्वालिफाई करके जा रहे हैं, मगर आगे के राउंड बहुत टफ होने वाला है, सारी चीजें इनको बताना जरूरी है। जी बिल्कुल, आगे प्रेशर मजीद बढ़ता जाएगा लेकिन आई गेस इसी से इनकी स्किल्स का भी पता चलेगा। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं क्वालिफाई कर सके उनको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिस इज द पॉइंट कि जहां पे आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो कि होगा प्रेशर टेस्ट उसमें हम हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग बिग पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ अर्न सीजन 4 पावर्ड बाय मिचेल्स। हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं ओरिएंट एंड मिल्क फील्ड्स, स्पाइस पार्टनर है मलका फूड्स, को स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन ऑयल। और यहाँ हमें जाते जाते शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे सेट पार्टनर जो कि हैं फोटाइल, पेंट्री पार्टनर अल्फते, एनएक्स, सतीम सॉफ्ट, प्योरो, एसके कुकवेयर, इंडिगो होटल्स और इस खूबसूरत से जोड़े के लिए केसरिया का। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।